तो अस्सलाम वालेकुम गेमर्स, वेलकम टू द वीडियो एंड दोस्त पीपल हु आर न्यू ऑन आवर चैनल, मोस्ट वेलकम। आज की वीडियो होने वाली है इंटरेस्टिंग भी और थोड़ी सी जो है ना ट्रिकी भी। तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगी, आपको कुछ मिल रहा है फ्री स्टफ, बहुत ही ओपी सामान मिल रहा है, आपको परमानेंट आउटफिट भी मिल रहा है और टेम्प्रेरी लेजेंडरीज आउटफिट भी मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूंगी, आपने वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि मैं आपको बहुत ईजीएस्ट वे और बता रही हूँ कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बिलीव मी। तो यहाँ पे ऊपर जो इवेंट है स्क्रॉलिंग इवेंट, इसमें देखें सब में फर्स्ट में जो आ रहा है ड्रीम टीम के नाम से, आपने इसमें जाना है। इसमें जाके आप सबसे पहले लेआउट चेक कर लें, ड्रीम टीम इवेंट का नाम है और नीचे डेट दी हुई है, काफ़ी लंबा इवेंट है ये, नॉट सो बट इट्स लॉन्ग, ठीक है। और नीचे चार बंदे खड़े हुए स्क्वाड, ये आउटफिट्स जो है हमें मिल रहे हैं चार कर लें क्योंकि एक आउटफिट जो है मेल फीमेल दोनों के लिए है वाइट वाला। राइट बॉटम में आप देखें यहाँ पे रिवॉर्ड दिखा रहे हैं, कुछ 120 तक रिवॉर्ड है और जो लास्ट वाले रिवॉर्ड है परमानेंट ज़ेब्रा वाला आउटफिट जो है आपको मिल रहा है। इस तरह की डासिया भी आ चुकी है, डासिया आ चुकी है पर वो स्पेसिफिक रीजन्स में आई थी, कहीं में टेम्प्रेरी दे रहे थे हमें। तो ये आउटफिट है काफ़ी कमाल का लग रहा है आउटफिट, अगर आपको लेना है तो आपको थोड़ी सी जो है ना एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपने। तो वीडियो एंड तक देखें एंड दोस्त पीपल हु आर न्यू ऑन अवर चैनल प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आती रहती है। मेरी पिछली वीडियोज़ तो आप नहीं देख सकते लेकिन सब्सक्रिप्शन करके आप मेरी आने वाली वीडियो के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और जब तक मेरी फ्यूचर वीडियोज़ आएँ तब तक आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख लें, आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आप अभी भी इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये मैं इवेंट आपको बता देती हूँ पूरा अच्छे से कि इसमें क्या क्या करना है। आप स्क्वाड और डुओ में मैचेस खेलेंगे, क्लासिक मैचेस, और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बात भी है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। थोड़ा सा स्टार्ट का बता दूँ कि आपने स्क्वाड एंड डुओ में मैचेस खेलने हैं बट आपने टीम रिक्रूट करनी है एक तरह से। ऊपर जो है आपको दिए गए हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करें और 1 वीक के लिए आप जो इन्वाइट करोगे फ्रेंड्स को 1 वीक के लिए आप उन्हीं के साथ खेल सकते हो। यहाँ प्लस के आइकन पे टच करके आप इनवाइट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को, सही है। और ये नीचे टाइटल भी मिल रहा है आपको, पूरे 1 मंथ के लिए ड्रीम टीम का टाइटल मिलेगा, ये भी आप ले सकते हो। जितने जितने मैचेस करते जाओगे ये आपको रिवॉर्ड मिलते जाएंगे। यहाँ पे आपने अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करना है, एक दफ़ा जब वो आपकी टीम ज्वाइन कर लें तो ये जो टीम अप येलो हो रहा है ये येलो नहीं होगा, फिर आपका जो स्टार्ट है वो येलो हो जाएगा। और आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप इसके मैच काउंट करने के लिए खेलें तो फिर आपने यहीं से स्टार्ट करना है इवेंट से, आपने लॉबी से जाके डायरेक्ट स्टार्ट कर लिया तो कुछ नहीं होगा। तो प्लस के आइकन पे आपने टच करना है, आपकी फ्रेंड लिस्ट खुल जाएगी, इनवाइट सेंड कर लें, वहाँ से आपके फ्रेंड एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी जो है ना टीम में ऐड होते जाएंगे। और एक और बात ध्यान में करनी है कि जब भी आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर रहे हों तो वो लॉबी में अकेला खड़ा हो, क्योंकि अगर वो किसी टीम में ज्वाइन किया हुआ होगा तो उसके साथ जितने भी लोग होंगे वो भी आपके साथ डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएंगे। तो और इसके अलावा ये जो बीच में मिशन दिए गए हैं ये मिशन भी आपके जब इसी टीम के साथ स्टार्ट करोगे तो ही आपके, और ये वाले जो मिशन है इसके आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे, ये ऑप्शनल है, आपके साथ एक के लिए आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दे रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं, क्योंकि एक इवेंट जो है इसको पूरा करने के लिए आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, भले से इन्होंने दिन काफ़ी दिए हैं लेकिन आपको जो है ना टाइम इसको देना पड़ेगा, काफ़ी आपको टाइम देना पड़ेगा, ऐसे ही आपको मुफ्त में नहीं मिल जाएगा। दिखाने में तो आपको फ्री में दे रहे हैं रिवॉर्ड, लाइक आपको जो परमानेंट आउटफिट दे रहे हैं, पर आपके एफर्ट्स बहुत लग रहे हैं इसमें। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई अब तो रैंक होता है ना सबका, एक ही सर्वर में आपको खेलना पड़ता है, तो आप में से काफ़ी लोग सोचेंगे कि FPP में लगा के जो है ना जोन से मर जाओ, जैसे भी जाके मैच काउंट करवा लो फटाफट से जाके। तो इन्होंने कहा है कि भाई आपके सर्वाइवल टाइम एटलीस्ट 5 मिनट होने चाहिए और अगर आपका उससे कम होगा तो फिर मैच आपका काउंट नहीं होगा। तो ये वाला जो है ना ये वाला तरीका भी जो है काम नहीं करेगा। लेकिन खैर मैं FPP वाला जो है ना एक और मेरे माइंड में आ रहा है, मैं वो सोच के करके अगर हुआ तो फिर मैं आपको बता दूंगी। और ये जो आपको पोज दिख रहा है ये स्क्वाड वाली टीम में आपका जो स्क्वाड होगा आफ्टर मैच, आप इस तरीके से पोज करेंगे ड्यूरिंग दिस इवेंट ओनली, ओके। और डुओ में जो पोज है वो आप डुओ में करेंगे ऑब्वियसली, तो स्क्वाड और डुओ का पोज भी आपको मिल रहा है। और आप ऐसा कर सकते हैं कि डुओ अगर आपने देखना है कि भाई डुओ में कोई परमानेंट आपके पास आउटफिट नहीं है, कोई ऐसा खास वो नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि इसके अंदर एक आपको रेटिंग प्रोडक्शन कार्ड ज़रूर मिल रहा है, अगर आप चाहते हैं वो लेना तो ज़रूर इसे ले लें डुओ में अगर रैंक नहीं है तो। वैसे मैंने सब कुछ बता दिया है, अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट करके बता देती हूँ 1 बाय 1 कि आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, एक दफ़ा फ्रेंड्स आपके ज्वाइन कर गए तो फिर वो दोबारा से लीव नहीं कर सकते, आप उनको हटा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ मंडे वाले दिन आपके जो फ्रेंड्स जिन्होंने टीम आपकी बनी होगी ये दोबारा से जो है ना ब्लैंक हो जाएगी, आपको दोबारा से ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें। तो मंडे वाले दिन ऐसा हो सकता है, वीक में एक टाइम आप कर सकते हैं, फिर उस वीक पूरा आपका ये वही वाले प्लेयर चलेंगे।
सो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, एंड समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, एंड वीडियो को लाइक कर दें एक दफ़ा फिर, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो स्टिल आपके काम आ सकती हैं, तो एक मरतबा चेकआउट ज़रूर कर लें, और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड।